बस स्वाद बढ़ता है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दामों में 50 पैसे और डीजल के दामों में 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अब पटना में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 84 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 35 पैसे हो गई है। लोगों का कहना है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इससे अन्य सामान के भी दाम बढ़ेंगे। लोगों से बातचीत की और पेट्रोल पंप का जायजा लिया मरकू बालम ने। तो चलिए, आपको बता दें कि महंगाई से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और लगातार तेल के दामों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और आज सुबह 6 बजे से दामों में यह परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के बाद से लोगों पर जो महंगाई की मार है वो लगातार पड़ रही है। तो एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है और परेशानी लोगों को, तो आज एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक सप्ताह में लगातार तीसरी बार कीमतों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दामों में 50 पैसे और डीजल में 53 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। तो तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों में खासी परेशानी, जेबें उनकी ढीली हो रही है, खर्च लगातार ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक सप्ताह के अंदर लगातार तीसरी बार कीमतों में वृद्धि हुई है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, किस तरीके से जो महंगाई की मार है वो आम जनता पर पड़ रही है और क्या कुछ वहाँ के लोग कह रहे हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। वैसे लोग जो गाड़ियों से सफ़र करते हैं, कमर्शियल व्हीकल से सफ़र करते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ काम होता है, वो सीधा असर जो है उस पर पड़ने लगता है। और हाल के 3 दिनों में जो है ये जो कीमतों में जो इजाफा हुआ है 3 से 4 दिनों में, वो 3 रुपये 29 पैसे के करीब जो है पेट्रोल के कीमतों पे इजाफा हुआ है, 3 रुपये 19 पैसे जो है आपको डीजल पे इजाफा हुआ है, यानी 109 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल चला गया है। और वहीं जो है डीजल जो है लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रही है उससे उस पर असर पड़ा। लोगों की राय जो है इस पर जो है उनका कहना है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचनी होगी, क्योंकि महंगाई का जिस तरह से पहले से दबाव लोगों पर पड़ा हुआ है और जिस तरह से अब पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जेब पर असर पड़ेगा। और जिस तरह से स्थितियां जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी कोविड के कारण ही, उससे अभी लोग उबर ही रहे, मगर अब जो महंगाई का असर और बढ़ रहा है उससे उनको और दिक्कत होगी। चलते कुछ लोगों के पास जो पेट्रोल और डीजल को लेकर अपनी राय रखना चाहते हैं या क्या क्या कहेंगे, जान लेते हैं कि सरकार को इस विषय पर कितनी गंभीरता से सोचनी चाहिए कि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा हो रही है, 3 दिनों में 3 रुपये से ऊपर, क्या करेंगे? सरकार भी मिलाचार है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, सरकार क्या करेंगे? जो आदमी झेल रहे हैं हम लोग, और ज्यादा क्या असर पड़ने लगा पॉकेट पर? 3 रुपये से सबको असर पड़ेगा सर, जब महंगाई बढ़ रही था सर तो पड़ेगा ही। कुछ लगता है कि कुछ कमियां करेंगे चलने में? सरकार चाहेगा तो कम जाएगा दाम। हाँ, नीतीश कुमार टैक्स, मुख्यमंत्री जी प्रणाम। टैक्स में भी रिबेट अगर मिलेंगी तो लोगों को ये राहत हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के कुछ भाई साहब, 3 दिनों में 3 रुपये से अधिक पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे? कुछ असर जो पड़ रहा है सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए कुछ इस पर टैक्स? बिल्कुल लेनी चाहिए सरकार को गंभीरता से, क्योंकि जो जिस तरह से पेट्रोल का और डीजल का, पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो देखना चाहिए। सर, पहले से कोरोना के कारण जो संकट हुआ होगा उस पर तो है ही, और पेट्रोल डीजल के दाम 3 दिनों में 3 रुपये से बिल्कुल ज्यादा झेल रहे हैं, पैकेट पे असर पड़ रहा है। में रिबेट कर सरकार राहत दे सकती है क्या, ऐसा कुछ उम्मीद है गवर्नमेंट से कि कुछ आप लोग के लिए कुछ रिबेट दे? बिल्कुल दे, कुछ तो होगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा तो बिल्कुल है कि कुछ फायदा होगा। उनको तो ये दिक्कत झेलनी ही पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे लोगों के पॉकेट पर असर पड़ रहा है। और देखिए, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उससे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे
तेल के दाम में जो इजाफा हुआ है, प्रति बैरल जो मार्च के दूसरे सप्ताह में जो कहा जाता है कि जो कीमतों में इजाफा हुआ था वो $139 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच गया था, और फिर बीच में स्थितियां सुधरी थी, $100 प्रति बैरल जो है ये पहुंच गए थे, जिसके बाद कुछ कमियां हुई थी, मगर रोजाना जो फ्लक्चुएट करने की जो पेट्रोलियम कंपनियों को जो सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उससे रेट तय होते हैं, और लोग जो हैं थोड़े से उम्मीद सरकार पर जो है लगाकर वो बैठे हुए हैं कि अगर सरकार इस स्थिति में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दाम बढ़े हुए हैं तो सरकार जो है गवर्नमेंट जो है जो टैक्स लेती है जीएसटी से अभी भी बाहर है पेट्रोलियम पदार्थ, तो उस पर जो है उन्हें छूट अगर दी जाए, स्टेट का अलग टैक्स होता है, सेंट्रल का अलग टैक्स होता है, तो उस पर अगर छूट दी जाए तो गवर्नमेंट के इस प्रयास से जो है लोगों को इस संकट से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, उम्मीद लोगों को ये है। राहुल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए, आपका गौतम।